कोई विधि भी छोड़ी ना, कार्तिक शुक्ल पक्ष
बजता जाए न खाली, डंका राम का बजता जाए, वचन देवता जाए न खाली। रति जल में होते खड़े हैं, सूर्य अर्घ सभी दिलाए, रति के जो कपड़े धोए वो भी पुण्य ले तक कमाए, गुड़ की खीर व रोटी का देते हैं प्रसाद बटाए, कमल सिंह गन्नों के घेरे उसमें लो तुम दीप जलाए, कमल सिंह गन्नों के घेरे। भक्तों प्रेम से बोलिए, बोलिए छठी मैया की जय। भक्तजनों कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को हमारे भारतवर्ष में और जहां जहां विश्व में उत्तर और पूर्वी भारतीय रहते हैं, यह त्योहार बड़ी धूमधाम श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्तों यह त्योहार पूरे चार दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार में साफ सफाई का अत्यंत महत्व है और इसमें धूल की कोई जगह भी नहीं होती। क्योंकि इस व्रत के नियम अत्यंत कठिन होते हैं, इसीलिए इस व्रत को महाव्रत तथा इस पर्व को महापर्व भी कहा जाता है। वेद पुराणों के अनुसार छठी मैया भगवान सूर्य देव की बहन है और भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त करने हेतु किसी तालाब नदी या पोखर के किनारे छठी मैया का पूजन आराधन करने से छठी मैया की कृपा तो प्राप्त होती ही है, भगवान सूर्य देव भी प्रसन्न होते हैं। छठी मैया संतानों को देने वाली होती है, संतानों की रक्षा करने वाली होती है, उन्हें यश वैभव सुख धन धान कीर्ति और आरोग्य प्रदान करने वाली होती है। तो आइए सुनते हैं छठी मैया की पावन संगीत में गाथा। बोलिए छठी मैया की जय। छठी मैया के सृष्टि में भक्तों जय जयकार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है। भक्तों मार्कंडेय पुराण के अनुसार प्रकृति ने स्वयं को छह भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसमें से छठा भाग सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठी मैया संतानों की रक्षा करती है, इसीलिए बच्चों के जन्म पर उनका छह दिन का हो जाने के पश्चात यह छठी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। भक्तों उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। जीवन में सुख समृद्धि धन धान की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण दोनों बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के उद्देश्य से उन्होंने महर्षि कश्यप के हाथों पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, परंतु हाय रे होनी, रानी को एक वर्ष पश्चात मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। आगे क्या हुआ आइए सुनाता हूं। संतान प्राप्ति के हेतु एक यज्ञ रचवाया है, एक यज्ञ रचवाया है, हाय रिहोनी होती ही है, मरा पुत्र जन्माया है, मरा पुत्र जन्माया है। शोक के सागर में दोनों भक्त डूबते जाते हैं, भक्त डूबते जाते हैं, प्राणों का हम अंत करेंगे सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। राजा रानी मन में तो भारी शोक अपार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है। छठी मैया की सृष्टि में भक्तों जय जयकार है, संतानों
संतान शोक में राजा आत्मदाह करने की सोचते हैं और इसी प्रयोजन से वनों को जाने लगते हैं कि तभी उनके समक्ष एक दिव्य कन्या प्रकट होती है। वो कन्या स्वयं को छठी मैया बताती है। राजा रानी उस दिव्य कन्या को प्रणाम करते हैं और उनके पैरों में गिर जाते हैं। छठी मैया दोनों को बताती है कि यदि वो संतान का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को उनका विधिवत पूजन करना होगा, उन्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह कहकर छठी मैया अंतर्ध्यान हो जाती हैं और राजा रानी दोनों पूजन की तैयारी में लग जाते हैं। जो ही राजा आत्मदाह को वनों को जाने लगते हैं, वनों को जाने लगते हैं, अपने सन्मुख दिव्य कन्या को राजा फिर पाते हैं, हाँ राजा फिर पाते हैं। मैं हूँ छठी माई सबको मैं संताने देती हूँ, मैं संताने देती हूँ, मेरा पूजन जो भी करते उनकी झोली भरती हूँ, उनकी झोली भरती हूँ। राजा रानी पूजन को मैया की तैयार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी का दिन आया। भक्तों, राजा रानी ने पूरे 4 दिवस तक षष्ठी पर्व बड़ी धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाया। नदी किनारे सभी ने विधिवत पूजन अर्चन किया, उगते डूबते सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान किया। सूर्य नारायण व उनकी बहन छठी मैया का विधि पूर्वक पूजन आराधना करने से उनकी कृपा को प्राप्त की और छठी मैया के पूजन से 1 वर्ष पश्चात उनके यहाँ एक सूर्य भगवान के समान तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। राजा रानी ने मिलकर छठी मैया की जय जयकार करी और हर वर्ष पूरी धूमधाम के साथ कार्तिक मास की शुक्ल की षष्ठी को छठी मैया का पर्व मनाने लगे। कार्तिक माह के शुक्ल की षष्ठी माँ का पर्व मनाया है, माँ का पर्व मनाया है, अर्घ चढ़ाया सूर्य देव को छठ मैया गुण गाया है, छठ मैया गुण गाया है। छठ मैया ने राजा रानी पर तो दया दिखाई है, पर तो दया दिखाई है, 1 वर्ष पश्चात रानी पुत्र रतन को पाई है, पुत्र रतन को पाई है। राजा रानी कर रहे माँ की जय जयकार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है। एक और प्रचलित कथा के अनुसार कौरवों ने पांडवों का सब कुछ हड़पने हेतु उन्हें अपने यहाँ द्यूत क्रीड़ा के लिए बुलवाया। मामा शकुनी ने छल से उनका राजपाट, यहाँ तक कि उनकी पत्नी द्रौपदी तक को द्यूत में जीत लिया। ऐसे में द्रौपदी ने छठी मैया का व्रत पूजन आह्वान किया और पूरे विधि विधान से जब उनका गुणगान किया तो महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और छठी मैया की कृपा से अपना खोया हुआ राजपाट सब कुछ वापस पाया। तो एक बार फिर मेरे साथ बोलिए, बोलिए छठी मैया की जय। कौरवों ने पांडवों को जुए पर बुलवाया है, जुए पर बुलवाया है, मामा शकुनी ने फिर भक्तों चौसर को बिछवाया है, चौसर को बिछवाया है। पांडवों ने जुए में फिर सब कुछ अपना गवाया है, सब कुछ अपना गवाया है। छठी मैया की कृपा से ही राज
पाठ सब पाया है, राज पाठ सब पाया है। द्रौपदी की पूजा को की मैया स्वीकार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है। आओ भक्तों, हम सब भी इस कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को, छठी मैया का पर्व, बड़ी धूमधाम से मनाएं। सबसे पहले माँ को अर्पित करने वाली सभी सामग्रियां एकत्रित कर लीजिए, जिसमें गन्ने जिनमें पत्ते लगे हों, शकरकंद, सुथनी, पान, सुपारी, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू, शरीफा, केले, नाशपाती, पानी वाला नारियल, मिठाई, गुड़, गेहूं, चावल का आटा, ठेकुआ, चावल, सिंदूर, दीपक, शहद और धूप इत्यादि एक सूप में भर लीजिए और किसी नदी या पोखर या तालाब के किनारे जाकर छठी मैया का विधिवत पूजन पूरे 4 दिनों तक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है माँ की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। तो बोलिए छठी मैया की जय। गन्ना, गेहूं, चावल, आटा, घी का दीप जलाना है, घी का दीप जलाना है। अनानास और नारियल भी माँ को भेंट चढ़ाना है, माँ को भेंट चढ़ाना है। धूप दीप नैवेद्य देकर चंदन तिलक लगाना है, चंदन तिलक लगाना है। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा पाते जाना है, कृपा पाते जाना है। महिमा छठी माई की भक्तों अपरंपार है, संतानों की रक्षा करती पावन ये त्योहार है।